पिछले क्लास तक हमने कर लिया था कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे। आज का जो एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं वो है साइक्लोहेक्सेन का। तो टॉपिक लिखेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। आपको बच्चों इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिए थे कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो बेसिकली दो तरह से एग्जिस्ट करता है, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म, राइट। और उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, जो आइडियल sp3 में होना चाहिए। इसीलिए कोई डेविएशन नहीं है आइडियल एंगल से, कोई एंगल स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ये चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म होता क्या है, ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो देखेंगे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का। आप बोलेंगे अभी सर चेयर फॉर्म कैसे, तो आप ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे। ये स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बॉन्ड और पीछे वाला एटम दूसरा, फ्रंट वाला एटम यहां बना लिए, पीछे वाला जो सर्कल है वो यहां पर बना लिए, करेक्ट। तो उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, करेक्ट, कोई कंफ्यूजन। अब इसको देखेंगे तो फ्रंट वाला जो एटम है वो ऊपर के साइड CH2 से जुड़ा हुआ है, करेक्ट, और ये दूसरे साइड एक और एटम से जुड़ा हुआ है, इसके भी फ्रंट वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये फ्रंट हो गया, कोई कंफ्यूजन। अब इसका भी पीछे वाला एटम जो बड़े सर्कल से दिया हुआ है वो बना लेते हैं, कुछ इस टाइप का हो गया। अब पीछे वाले दोनों एटम देखिए, इसका भी पीछे वाला नीचे वाले CH2 से जुड़ा हुआ है, इसका भी पीछे वाला एटम नीचे वाले CH2 से जुड़ा हुआ है, तो दोनों को नीचे वाले CH2 से जोड़ देंगे। तो आपको एक कौन सा फॉर्म दिख रहा है, देखिए चेयर टाइप का दिख रहा है, यहां पैर रखने वाला, ये सर रखने वाला चेयर टाइप का दिख रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में आप क्या देख रहे हैं, कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्स्ड है, स्टैगर्ड है या स्क्यूर्ड। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, करेक्ट। जब ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो एंगल क्या होगा, एक सौ नौ डिग्री 28 मिनट, करेक्ट। अब आप क्या कर रहे हैं, ये आपका चेयर फॉर्म हो गया, काफी स्टेबल है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्स, राइट। बाकियों से कंपैरिजन करके ये चीज पता भी करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं इससे दूसरे स्ट्रक्चर्स कैसे आएंगे। अब आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे, आप क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जो CH2 है उसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। ध्यान देंगे नीचे वाला जो CH2 है उसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो आपके सामने क्या स्ट्रक्चर आएगा, आपके सामने स्ट्रक्चर ये आएगा, पीछे वाले CH2 का काम कर लिया मैंने,
एक ये फॉर्म आएगा। यहां पर ध्यान दें, आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म को कैसे अचीव किया, आपने फ्रंट वाले कार्बन को जैसा का तैसा छोड़ दिया, जैसे वो पहले था वैसे ही छोड़ दिया है। आपने क्या किया, पीछे वाले CH2 को पकड़ के ऊपर की तरफ ला रहे, ठीक है। और दोनों एटम, जो ये वाले दो एटम है, ये एटम और ये एटम, ये सारे फिक्स है, क्लियर। आपने क्या किया, इसको पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ उठाए तो कुछ ये टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। क्या है ये स्ट्रक्चर, ये देख लेते हैं। देखिए एक एटम ऊपर की तरफ है फ्रंट कार्बन पे, इसके भी फ्रंट और इसके भी फ्रंट, एक ऊपर के CH2 से जुड़ा हुआ है, देखिए ऊपर बना दिया मैंने CH2। उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, यहां पे सीधे एक बॉन्ड आ रहा है कुछ इस टाइप का, करेक्ट। और यहां पर भी CH2। अब ये जो CH2 है ये सेम प्लेन में आ गया, इस कार्बन और इस कार्बन के प्लेन में ही आ गया। तो आप खुद से सोचें, जब इस कार्बन को उठा के आप इस प्लेन पे आएंगे तो ये वाला जो कार्बन है ये बाहर की तरफ निकलेगा, ये वाला जो कार्बन है ये बाहर की तरफ निकलेगा, करेक्ट, निकलेगा इस स्ट्रक्चर में। तो आइडियली स्ट्रक्चर को बनाने का सही तरीका क्या होगा कि आप इसको इस तरह से नहीं दिखाकर आप इसको एंगल थोड़ा बढ़ाएंगे, करेक्ट। क्यों, क्योंकि जब आप इसको ऊपर ला रहे हैं यहां पे इस कार्बन पे स्ट्रेस पड़ेगा, ये चीज बाहर की तरफ निकलेगी, ये चीज भी बाहर की तरफ निकलेगी, करेक्ट। और ये चीज एकदम इस प्लेन पे आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, एंगल स्ट्रेन इज डेवलप, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि आइडियल एंगल जो होना चाहिए था इस CH2 बॉन्ड को अकोमोडेट करने के लिए, आपने क्या किया, उसको फैलाया, आइडियल बॉन्ड एंगल से आपने एंगल को चेंज किया, तो वहां पे एंगल स्ट्रेन आ रहा है, करेक्ट। एंगल स्ट्रेन आ रहा है और इसमें आपका स्क्यू फॉर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। स्क्यू फॉर्म क्यों है, क्योंकि ना ये स्टैगर्ड है ना ये इक्लिप्स्ड, ये क्या था, स्टैगर्ड फॉर्म। प्रेसाइज वे में इसको हम क्या बोलते हैं, बोट स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, हाफ चेयर फॉर्म और हाफ बोट फॉर्म, आधे चेयर की तरह भी से भी आप इसको ले सकते हैं, ऊपर सरकने वाला और ये चेयर टाइप है, हाफ चेयर भी बोल सकते हैं या हाफ बोर्ड भी बोल सकते हैं। पीछे वाले को अगर ऊपर की तरफ उठा देंगे तो वो बोर्ड बन जाएगा, करेक्ट। तो आप यहां पर थे, यहां से यहां पर पहुंचे, इसमें कोई दिक्कत है, कहां पे स्ट्रेन डेवलप हुआ ये चीज आपको क्लियर है, इस स्ट्रक्चर में कहां पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, साइक्लोहेक्सेन से चेयर फॉर्म से आपने CH2 नीचे वाले CH2 क्या किया, ऊपर उठाना शुरू किया, तो स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होगा, स्ट्रेस डेवलप होना शुरू होगा तो ये दोनों बॉन्ड बाहर की तरफ जाएंगे, ये इस तरफ और ये वाला इस तरफ, जिसके वजह से आइडियल एंगल से बॉन्ड एंगल चेंज होगा, करेक्ट, एंगल स्ट्रेन डेवलप होगा। तो ये था आपका बोट स्ट्रक्चर, ये था आपका हाफ चेयर फॉर्म, ये आपका स्क्यू फॉर्म, कोई कंफ्यूजन। अब आप क्या करें, ये CH2 को वापस और शिफ्ट करके आप ऊपर की तरफ ले जाए, ये जो CH2 आपको दिख रहा है इस CH2 को वापस से पुश करें और ऊपर की तरफ ले जाए, तब आपको क्या मिले, पहले इसे बना लें उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर ले जाते हैं, बोट स्ट्रक्चर आप लिख लेंगे। अब आप वापस से क्या करना है, स्ट्रक्चर से इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, तो आप क्या देखेंगे, फ्रंट वाले कार्बन में तो कोई चेंज आएगा नहीं,
फ्रंट वाला कार्बन तो जैसा का तैसा रहेगा, करेक्ट? और पीछे वाले कार्बन में भी क्या हो जाएगा, ये कार्बन इस कार्बन के पीछे चला जाएगा, जब आप इसको उठाएंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के पीछे चला जाएगा, तो क्या आएगा आपका, इधर CH2 आ जाएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कोई कंफ्यूजन? अब आप क्या करें, इसको और इसको अलग से बना लें, तो सिंपल ये दो कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बॉन्ड से, दो कार्बन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बॉन्ड से, ये मैंने बना लिए, ये फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, ये बैक कार्बन मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब आप देखें फ्रंट कार्बन पे भी ऊपर की तरफ दोनों कनेक्टेड है CH2 से, तो ऊपर की तरफ कनेक्ट करते हैं CH2 से, और पीछे वाले कार्बन पे भी देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही कनेक्टेड है CH2 से, करेक्ट? ये कैसा फॉर्म आ गया, आप देख रहे हैं एटम के पीछे दूसरा एटम है, करेक्ट? जब एटम के पीछे एटम होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म। तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया, एक्लिप्स फॉर्म। और आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख रहे हैं बोट टाइप का एक रफ इमेज आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बोट फॉर्म, कोई कंफ्यूजन? तो इसको हम बोलते हैं बोट फॉर्म। अब क्योंकि ये एक्लिप्स है तो आपको क्लियरली पता है कि यहां पे वैंडरवॉल स्ट्रेन भी होगा, करेक्ट? और क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन भी होगा। इसके अलावा इस एक्लिप्स फॉर्म में एक और बातें होती हैं, एक और चीज होता है जो कि आपको ध्यान देना है, ये जो CH2 है ऊपर की तरफ, इसको अगर मैं बनाऊं थ्री डायमेंशनल पिक्चर, तो एक इधर CH आएगा, एक इधर CH आएगा, इसके केस में भी एक इधर CH आएगा, एक इधर CH आएगा, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक आई सेड वैन डर वाल रिपल्शन, वैन डर वाल स्ट्रेन, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेंगे, चेयर फॉर्म में देखिए दोनों ऊपर के साइड थे, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा, इस को हम बोलते हैं फ्लैग पोल इंटरैक्शन। फ्लैग पोल इंटरैक्शन जो है, दिस इज स्पेसिफिक टू बोट फॉर्म, करेक्ट? और फ्लैग पोल इंटरैक्शन क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रिपल्शन, ये एक तरह का रिपल्शन है जिसके वजह से आपका स्ट्रेन डेवलप होता है, ड्यू टू विच स्ट्रेन इज डेवलप्ड। तो इस चीज को ध्यान देंगे, और ये फ्लैगपोल इंटरैक्शन जो है ये एक तरह का क्या है, वैन डर वाल स्ट्रेन टाइप का ही है, एच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, उसी को आप फ्लैगपोल इंटरैक्शन या फ्लैगपोल रिपल्शन बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन है आपका बोट फॉर्म, तो आप कैसे कैसे गए, सबसे पहले आपने चेयर फॉर्म लिया, चेयर फॉर्म से आपने पीछे का CH2 उठाना शुरू किया, हाफ चेयर में पहुंचे, वापस से इसको उठाए, आप बोट फॉर्म में पहुंचे, कोई दिक्कत है इस चीज में किसी को भी? तो इन जनरल यही आपका कॉन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन की। जल्दी से इसको नोट करें, आई होप हो गया होगा नोट। अगर आप देखें तो हमने शुरुआत कहां से किया था, चेयर फॉर्म से हम कहां गए थे,
हाफ बोर्ड और हाफ चेयर फॉर्म पे। करेक्ट, आपने क्या किया था, नीचे वाले को उठाया था तो आप यहां पे पहुंचे थे। ये क्यू फॉर्म था, ये स्टैगर्ड फॉर्म था, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या किया था, पीछे वाले को वापस से उठाया। जब आप पीछे वाले को वापस से उठाएंगे तो आपको क्या मिल गया था, बोर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप हाफ बोर्ड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक और कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है जिसको हम ट्विस्टेड बोर्ड बोलते हैं। करेक्ट, क्या होता है उसमें, ये बात समझेंगे। आपने जैसे इसको उठाया तो कुछ एक थोड़े देर के लिए स्ट्रेन सा डेवलप होता है। ये जो ऊपर की तरफ कार्बन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और ये जो उठा रहे हैं ये पीछे की तरफ चला जाएगा। पीछे की तरफ वाला कार्बन आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और बाहर आने वाला कार्बन आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काउंट करेंगे कितने कार्बन हो गए, यहां पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन थे, साइक्लोहेक्सेन में 6 ही होने चाहिए। यहां पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है। आपने क्या किया, जो पीछे वाला ये वाला कार्बन है इसको उठा रहे हैं। जब आप उठा रहे हैं तो आपको पहुंचना कहां पे, बोर्ड फॉर्म पे। बोर्ड फॉर्म पे पहुंचने में एक बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आता है, जब स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीज होता है। ये भी एक तरह का क्यू फॉर्म होगा। क्लियर, तो दिस इज योर ट्विस्टेड बोर्ड। ट्विस्टेड बोर्ड की खास बात ये है, यहां पे एंगल स्ट्रेन इज रिलीज्ड, एंगल स्ट्रेन खत्म हो जाता है जो आपको यहां पर मिल रहा था। इसके अलावा वैंडरवॉल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन इज लेस। वैंडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन भी काफी कम होता है इसमें। क्यों, क्योंकि ये एकदम से आप अनस्टेबल है, हाई एंगल स्ट्रेन वाला है, उससे स्ट्रेस को आप रिलीज करवा रहे हैं, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। उसके बाद वापस से आप कहां जा रहे हैं, बोर्ड फॉर्म में। और बोर्ड फॉर्म क्या था, एक तरह से एक्लिप्स फॉर्म। क्या था बोल्ट फॉर्म, एक तरफ से एक्लिप्स फॉर्म था। इसके बारे में हमने सारी बातें कर रखी हैं। अब हमें समझना है इनका आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। अगर कोई बोले कि आप बोल्ट फॉर्म से यहां तक पहुंचे तो भी सेम तरीका होगा। बोल्ट फॉर्म से सबसे पहले पहुंचेंगे ट्विस्टेड बोर्ड पे, उसके बाद हाफ बोट या हाफ चेयर पे, उसके बाद आप चेयर पे पहुंचेंगे। अब बात आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आपको सबसे पहले बताया था कि स्टैगर्ड इन जनरल ज्यादा स्टेबल हो। तो स्टैगर्ड इन सब में कौन है, क्लियरली स्टैगर्ड कौन सा है, तो चेयर फॉर्म। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये स्टैगर्ड था। स्टैगर्ड हमेशा स्क्यू और एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होता है। करेक्ट, उसके बाद देखेंगे ये स्ट्रक्चर तो लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपके नीचे वाले CH2 को ऊपर करने की वजह से यहां पर स्ट्रेच आ गया था, एटम्स बाहर की तरफ भागे थे, एक स्ट्रेन डेवलप हुआ, एंगल स्ट्रेन, तो ये लीस्ट स्टेबल है। अब बात आती है इसमें और इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप खुद से सोचे, एंगल स्ट्रेन तो रिलीज हो गया और वैंडरवॉल स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन इसमें है नहीं। करेक्ट,
जब ये दोनों स्ट्रेन है नहीं तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो गया, करेक्ट। तो चेयर फॉर्म के बाद आ जाएगा ट्विस्टेड बोट फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा बोट फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा आपका हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर ये वाला ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका, ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। से काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको शुरुआत में इन जनरल आपको बता दिया था कि दो ही चीजें एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि हमने अभी तक बात ही कर रखी थी सिर्फ स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म की, उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट भी बनते हैं जो कि यहां पर आपको बता दिया है। कोई कंफ्यूजन है इस चीज में नहीं। फ्लैगपोल इंटरैक्शन क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है बोट फॉर्म का, जिसमें दोनों ऊपर वाले जो कार्बन थे उसके हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे तो एक स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, दैट वाज योर फ्लैगपोल इंटरैक्शन। कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो ये लिख लेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। इसी तरह से आपको एनर्जी ऑर्डर अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑर्डर जस्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर का उल्टा क्या हो जाएगा, इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं, इसको फोर मान लेते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, चेयर फॉर्म वन, दैट मीन्स इट विल हैव मैक्सिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी, क्योंकि जिसकी जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। फिर ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट आपका थ्री है, उसके बाद फोर, उसके बाद टू, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर है। आई होप कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन इज ओके। आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि चार स्ट्रक्चर कौन कौन से आएंगे, ये चार स्ट्रक्चर आप जनरलाइज हैं, आप खुद से भी करके देख सकते हैं, प्लेन ऑफ पेपर से साइक्लोहेक्सेन बनाकर आप करके देखें, आपको ये चार स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में। अब आते हैं थोड़ा चेयर फॉर्म को डिटेल में पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नोट करेंगे पहले इसे, आई होप नोट कर लिया होगा। टॉपिक डालते हैं चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं, हमने क्या बनाया था, दिस वॉज योर चेयर फॉर्म, करेक्ट। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना रहे थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐसे दिखा दिया आपने, फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, रियर कार्बन, एक एटम ऊपर था एक एटम नीचे था, कुछ ये था आपका चेयर फॉर्म। कोई कंफ्यूजन। अब जब आप इसको दिखा रहे हैं तो यहां पर एक चीज देखना जरूरी है, आप देखेंगे जो एटम ऊपर के तरफ है जैसे CH2 है, CH2 में आप क्या कर देखेंगे, sp3 होना चाहिए, तो दो बॉन्ड तो नीचे की तरफ हो गया, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, एक बॉन्ड बाहर की तरफ निकलेगा, ये CH2 का, क्लियर। उसी तरह से ये CH2 भी देखेंगे तो दो बॉन्ड ऊपर की तरफ तो आ गए, एक बॉन्ड एग्जैक्टली नीचे की तरफ जाएगा और एक बॉन्ड बाहर की तरफ जाएगा। ये नीचे वाला कार्बन भी मैंने कर दिया, यहां पे भी हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं जो ऊपर वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
कोई भी कार्बन उठा ले, ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन पे देखेंगे तो एक वर्टिकली नीचे की तरफ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और एक बाहर की तरफ बॉन्ड है। ध्यान देंगे इस कार्बन को अगर देखें तो एक वर्टिकली नीचे की तरफ बॉन्ड है, तो यहां पे एक वर्टिकली नीचे की तरफ बना लेते हैं और एक बाहर की तरफ बॉन्ड है, तो एक बाहर की तरफ हाइड्रोजन बना लेते हैं। कोई कंफ्यूजन? उसी तरह से ये वाला आइटम भी देखते हैं, ये CH2 दूसरा इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहां पर भी एक नीचे की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, तो एक नीचे की तरफ बनाएंगे और एक बाहर की तरफ बनाएंगे। कोई कंफ्यूजन? अब पीछे वाले कार्बन को भी देख लेते हैं। पीछे वाले कार्बन को देखेंगे तो कार्बन पे वर्टिकली एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये वाला, और एक बाहर की तरफ दिख रहा है, तो बाहर वाला बना लेंगे। उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे पीछे वाले कार्बन पे एक ऊपर की तरफ दिख रहा है, एक बाहर की तरफ दिख रहा है, तो एक ऊपर की तरफ बना लेंगे, एक बाहर की तरफ बना लेंगे। तो ये है कुछ आपका साइक्लोहेक्सेन रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैसे रिप्रेजेंट करना है। करेक्ट, ये है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब यहां पर ध्यान देंगे जो वर्टिकली ऊपर जा रहा है बॉन्ड या वर्टिकली नीचे जा रहा है बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देखिए वर्टिकली ऊपर जा रहा है एक्सियल, वर्टिकली ऊपर जा रहा है एक्सियल, वर्टिकली नीचे जा रहा है एक्सियल, वर्टिकली नीचे एक्सियल, वर्टिकली ऊपर एक्सियल, वर्टिकली नीचे एक्सियल। करेक्ट, छह एक्सियल होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाकी सारे बॉन्ड किधर है? बाहर की तरफ निकल रहा है। करेक्ट, एक नीचे था दूसरा बाहर की तरफ, जो बाहर था उसको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। जो बाहर है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल। तो किसी भी साइक्लो चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में 6 इक्वेटोरियल पोजिशन होंगे और 6 एक्सियल पोजिशन होंगे। यहां पे एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सियल बॉन्ड और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर? अब इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड है जो प्लेन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पे ही है लेकिन अवे मूविंग है। चाहे आप कहीं कोई भी इक्वेटोरियल बॉन्ड देखते हैं, ये वाला देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन के प्लेन पे ही है लेकिन अवे फेसिंग है, अवे दूर जा रहा है साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? तो इक्वेटोरियल बॉन्ड को हम लिख सकते हैं ऑन द प्लेन ऑफ साइक्लोहेक्सेन बट अवे फ्रॉम द रिंग से दूर जाता हुआ, कहीं पर भी आप देखें इक्वेटोरियल हमेशा रिंग से दूर जा रहा है, रिंग से दूर जा रहा है। क्लियर? तो रहेगा जब भी ये प्लेन पे ही रहेगा, जिस प्लेन पे आप साइक्लोहेक्सेन को रख रहे हैं एक तरह से, लेकिन हमेशा आउटवर्ड मूविंग रहेगा। वही एक्सियल पे देखेंगे तो एक्सियल जब भी है इस प्लेन के परपेंडिकुलर की तरफ है, या तो एग्जैक्टली ऊपर या तो एग्जैक्टली नीचे। क्लियर? तो एक्सियल बॉन्ड क्या होगा? इट लाइज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इज प्रेजेंट नियर, बस इतना लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? आप कहीं पर भी देखें परपेंडिकुलर है, यहां नीचे जा रहा है इसको उठा लें तो वर्टिकली नीचे, वर्टिकली ऊपर, या तो वर्टिकली ऊपर हो या वर्टिकली नीचे हो। क्लियर? तो एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होता है, ये क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपसे पूछा जाए इस तरह, बताइए एक्सियल बॉन्ड ज्यादा आपस में एक दूसरे को रिपल्शन करेगा या इक्वेटोरियल बॉन्ड?
तो आप खुद से सोचो, इक्वेटोरियल बॉन्ड बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जाने का मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है, और दूर जाएगा तो रिपल्शन घटेगा ही, जाहिर सी बात है। क्लियर? दैट मीन्स इक्वेटोरियल बॉन्ड्स फेस लेसर स्टीरिक रिपल्शन। स्टीरिक रिपल्शन जो हमने वैंडरवॉल स्ट्रेन के बारे में बात करी थी, लेसर स्टीरिक रिपल्शन देन एक्सियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है वो लेस स्टीरिक रिपल्शन फील करेंगे दैन एक्सियल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? अब आप पूछेंगे सर कहां पे कब एक्सियल बनाना है, कब इक्वेटोरियल बनाना है, इतना स्ट्रक्चर बनाने में तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान दें, ये बहुत भारी काम नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बना लेना है। ये चेयर फॉर्म हमने बना लिया साइक्लोहेक्सेन का। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो कार्बन ऊपर की तरफ बल्जिंग है, जो कार्बन ऊपर की तरफ बल्जिंग है उसके ऊपर की तरफ एक बॉन्ड दे देंगे, जो कार्बन नीचे की तरफ बल्जिंग है उसके वर्टिकली नीचे एक बॉन्ड दे देंगे। All those will be your axial bonds। जैसे इस कार्बन को देखें, इस बॉन्ड के थ्रू, इस बॉन्ड के थ्रू ऊपर के साइड जा रहा है तो ऊपर के साइड एक बॉन्ड दे देंगे, this will be your axial। कोई दिक्कत? और एक बाहर के तरफ दे देंगे, this will be your equatorial। खैर अभी equatorial के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, axial के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो नीचे की तरफ बल जाएंगे, ये देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड लेकर इसको नीचे की तरफ जा रहा है, करेक्ट, नीचे की तरफ फेसिंग है, तो यहां पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे बॉन्ड दे दीजिए, ये भी एक्सियल, इसको भी नीचे एक बॉन्ड दे दिए, ये भी एक्सियल, करेक्ट। अब इस कार्बन को देखें, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलाकर इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है तो वर्टिकली ऊपर एक बॉन्ड दे देंगे, ये एक्सियल हो जाएगा, उसी तरह से वर्टिकली ऊपर इसमें दे देंगे, ये आपका एक्सियल हो जाएगा। लास्ट वाले कार्बन पे देखेंगे तो ये भी नीचे की तरफ जा रहा है तो यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक बॉन्ड दे देंगे, दिस विल बी योर एक्सियल बॉन्ड। क्लियर? तो ये एक्सियल है, बाकी इक्वेटोरियल का आपको बता ही दिया, इट विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द रिंग, जो ये रिंग है इससे हमेशा दूर जाएगा, तो दूर बना दें, दूर भेजते हैं इक्वेटोरियल, 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 दूर भेजते हैं इक्वेटोरियल। क्लियर? कैसा भी चेयर फॉर्म का स्ट्रक्चर हो आप आराम से बना सकते हैं एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। आई होप काफी हद तक आपको यह चीज क्लियर होगी। दो एटम्स है, मान लेते हैं दो एटम्स है, दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तब ज्यादा स्टेबल होंगे या एक्सियल पोजीशन पे हैं तब ज्यादा स्टेबल होंगे। वेरी गुड, आप जो सोच रहे हैं कि दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे तब ज्यादा स्टेबल होंगे तो आप बहुत सही सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों एक दूसरे को दूर फेस करता है, अवे फेस करता है, तो वैंडरवॉल स्ट्रेन मिनिमम आ जाएगा। जब वैंडरवॉल स्ट्रेन मिनिमम आ जाएगा तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्लियर? तो एटम्स ट्राई करते हैं ज्यादा से ज्यादा वो इक्वेटोरियल बॉन्ड वो ऑक्यूपाई करें। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी बढ़ानी है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आई होप काफी हद तक क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द मोस्ट
स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का आपको सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनाना है। तो सबसे पहले बात, आपको पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मर साइक्लोहेक्सेन का कौन होता है? चेयर फॉर्म। तो आप जो भी सोचेंगे चेयर फॉर्म को लेकर सोचेंगे, सोचते हैं, चलिए चेयर फॉर्म बना लिया। ये आपका चेयर फॉर्म हो गया। अब आप देखें, ये अबव द प्लेन है और ये भी अबव द प्लेन है। दैट मीन्स सी एस थ्री या तो दोनों ऊपर रहेंगे या तो दोनों नीचे रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है, क्लियर? तो आप मान लेते हैं सी एस थ्री ऊपर की तरफ यहां पर है, करेक्ट? तो दूसरे वाले में भी ऊपर की तरफ यहां पर होगा, करेक्ट? ध्यान दें, जो ऊपर की तरफ गया ऊपर वाले बल्जिंग में, तो ये एक्सियल हो गया। यहां पे ऊपर कौन दिख रहा है? इक्वेटोरियल हो गया। वो कोई कंफ्यूजन इस चीज में, बाकी सब में आपका एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, कोई कंफ्यूजन? तो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि वन और टू पे स्ट्रक्चर है, तो एक सीएसटी ऊपर है तो दूसरा भी ऊपर ही होना चाहिए। एक आपने ऊपर बनाया है तो दूसरा भी ऊपर ही बनाएंगे, क्लियर है? तो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले तो आपको सोचना था क्या सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन होगा, वो आपने सोच लिया, चेयर फॉर्म होगा। अब चेयर फॉर्म में देखेंगे तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब आप सोचेंगे, सर मैंने इसको एक्सियल माना है, नहीं मैं इसको इक्वेटोरियल मान के बनाऊ। बोलता हूं ठीक है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा स्ट्रक्चर आप क्या बनाएंगे? चलिए, आपने सीएस थ्री को इक्वेटोरियल पे दे दिया, एच को एक्सियल पे दे दिया। यहां पे क्या है? सीएस थ्री नीचे साइड आ गया, तो दूसरा सीएसटी भी आपको नीचे साइड देना पड़ेगा। तो नीचे साइड सीएसटी यहां पर आएगा, कोई कंफ्यूजन? इधर नीचे तो इधर भी नीचे, इधर ऊपर तो इधर भी ऊपर, ये चीज ध्यान देना। क्यों? क्योंकि यहां पे दिख रखा है आपको सिस दे रखा है, दोनों सीएसटी प्लेन के ऊपर ही दे रखा है, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कोई कंफ्यूजन? बाकी बॉन्ड्स बना लेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन बाहर, एक ऊपर एक बाहर, नीचे एक बाहर, तो ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है रफली, करेक्ट? क्यों? क्योंकि आप मान लेते हैं यहां से आप शुरू कर रहे हैं नंबरिंग, इसको वन मानते हैं तो यहां पे एक्सियल पे आ रहा है, इसको टू मानेंगे तो यहां पे इक्वेटोरियल पे आ रहा है। तो वन पे एक्सियल है, टू पे इक्वेटोरियल, क्लियर? लेकिन आप नंबरिंग यहां से भी शुरू कर सकते हैं, नंबरिंग में आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इधर से करें या इधर से करें। तो यहां पर इधर से कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? वन पे आपको इक्वेटोरियल मिल रहा है और टू पे आपको एक्सियल मिल रहा है। वन पे इक्वेटोरियल मिला, सेकेंड पे गए, इस पे एक्सियल पे मिला। तो आप इधर से भी नंबर कर सकते हैं, इधर से भी नंबर कर सकते हैं, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी वैलिड है। यहां पर भी वही चीज देखेंगे, इसको अगर वन मानते हैं तो ये इक्वेटोरियल हो गया, दूसरा एक्सियल हो गया, क्लियर? तो ये वाला चीज फॉलो कर जाएगा। अगर आप इससे लेते हैं तो पहला एक्सियल हो गया, दूसरा इक्वेटोरियल हो गया, ये वाला वैलिड हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आई होप ये एग्जाम्पल काफी हद तक क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ चीजें यहां पे समझते हैं, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा।
जो चेयर फॉर्म था हमारा वो रफली कुछ ऐसा था। एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, मेरे हिसाब से एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने आपको आ जाएंगे, आते हैं। अब मैं केस लेता हूं सिस, सिस का केस लेता हूं, जितने भी स्ट्रक्चर में मानूंगा वो सिस मानूंगा, ठीक है। वन टू सिस की बात करें, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है कि वन पे एक ग्रुप है, टू पे एक ग्रुप है और वो सिस फॉर्म है, मतलब दोनों ग्रुप प्लेन के सेम साइड है, तब आप क्या करेंगे? वन टू सिस का मतलब एक एक्सियल है अगर, तो दूसरा इक्वेटोरियल होना ही है, क्योंकि आपको दोनों सेम साइड डालना है, या तो दोनों ऊपर डालें या तो दोनों नीचे डालें। तो दोनों ऊपर डालेंगे तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल जाएगा, दोनों नीचे डालेंगे तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन टू सिक्स का मतलब है आपका एक को एक्सियल देंगे तो दूसरे को इक्वेटोरियल देंगे, कोई कंफ्यूजन? वन थ्री सिक्स का मतलब देखते हैं, वन थ्री सिस का क्या मतलब है? मान लेते हैं ऊपर था एक बॉन्ड, तो एक ऊपर है तो सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, दोनों में सिस है अगर तो दोनों में ऊपर आना चाहिए, करेक्ट? तो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, अगर आप इक्वेटोरियल पे कंसिडर करते हैं तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, दैट मीन्स अगर वन थ्री सिस है तो या तो दोनों एक्सियल पे आएंगे या तो दोनों इक्वेटोरियल पे आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बॉन्ड एक्सियल होगा दूसरा बॉन्ड इक्वेटोरियल होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर वन थ्री सिक्स का स्ट्रक्चर हो। दैट मीन्स या तो एक्सियल एक्सियल होगा और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होगा, दोनों का मिक्सचर पॉसिबल नहीं। वन फोर देखेंगे सिस, तो वन का मैंने ऊपर मान लिया तो फोर पे भी ऊपर होना चाहिए, वन टू थ्री फोर, फोर पे ऊपर, दैट मीन्स इक्वेटोरियल आ रहा है, दैट मीन्स दोनों ऊपर लेने हैं आपको, एक एक्सियल आ रहा है तो दूसरा इक्वेटोरियल आ रहा है। अब नीचे लेकर देखते हैं, नीचे अगर लेते हैं तो पहले पे इक्वेटोरियल आ रहा है, दूसरा वाला भी नीचे लेंगे फोर्थ पे तो ये एक्सियल आ रहा है, दैट मीन्स वन हैज टू बी एक्सियल एंड द अदर हैज टू बी इक्वेटोरियल, कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नहीं। अब इसी चीज का आप रिवर्स भी ले सकते हैं, जैसे वन टू सिस था तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल डाले, वन टू ट्रांस होता तो क्या करते, या तो दोनों एक्सियल डालते या तो दोनों इक्वेटोरियल डालते, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? आपको बार बार ये स्ट्रक्चर बनाकर सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, इफ वन टू सिस इज प्रेजेंट, अगर वन टू पे सिस प्रेजेंट है तो पुट वन एक्सियल एंड अदर इक्वेटोरियल बॉन्ड, आंख बंद करके ये पुट कर देना है, जो वन टू का स्ट्रक्चर फॉलो होगा वही वन फोर का स्ट्रक्चर भी होगा, क्यों? आप यहां पर चेक करें, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे टू अगर नीचे है तो फोर भी नीचे है, लॉजिक क्लियर है? इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वन अगर ऊपर है तो थ्री भी ऊपर है, या तो एक्सियल एक्सियल आ गया या तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ गया, तो सब कुछ डिराइव किया हुआ है स्ट्रक्चर से, क्लियर? इफ वन थ्री सिस इज प्रेजेंट, अगर वन थ्री सिस प्रेजेंट है तो पुट बोथ बॉन्ड्स ऑन एक्सियल और बोथ
ऑन इक्वेटोरियल, या तो दोनों को एक्सियल पे रखें या तो दोनों को इक्वेटोरियल पे रखें। बस यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इक्वेटोरियल है दिस विल फेस लेसर स्टीरिक रिपल्शन। लेसर स्टीरिक रिपल्शन का मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? आई होप ना। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो पहले ये नोट करेंगे, क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, नोट करेंगे। तो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। अमंग द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर बताना है या कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बताना है। चार स्ट्रक्चर आपको दिया गया, देखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सब, बहुत भारी भारी है, करेक्ट? कैसे पकड़ेंगे? तो ध्यान देंगे, आप देखें 1 4 1 2 दोनों सिस पे है, दैट मींस 1 4 सिस प्रेजेंट है यहां पे। इसका क्या मतलब है? अबव द प्लेन। इसका क्या मतलब है? अबव द प्लेन, तो 1 4 सिस प्रेजेंट है। उसी तरह से 1 2 सिस प्रेजेंट है, क्लियर है? 1 4 सिस भी प्रेजेंट है, 1 2 सिस भी प्रेजेंट है। ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये अबव द प्लेन है तो ये भी अबव द प्लेन है सिस, ये अबव द प्लेन है तो ये भी अबव द प्लेन है सिस। कोई कंफ्यूजन नहीं? आपको याद है अगर 1 4 सिस था स्ट्रक्चर में तो आपको एक बॉन्ड देना था एक्सियल को, दूसरा बॉन्ड देना था इक्वेटोरियल को। उसी तरह से अगर 1 2 सिस था तो भी आपको एक बॉन्ड देना था एक्सियल को, दूसरा बॉन्ड देना था इक्वेटोरियल को, करेक्ट? तो सबसे पहले चेक करते हैं मेरे जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, राइट? तो सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर में मार्क कर लेंगे कौन सा एक्सियल आपको दिख रहा है, कौन सा इक्वेटोरियल दिख रहा है। तो ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, दैट मींस दिस इज इक्वेटोरियल, ये ऊपर बल्जिंग में ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस दिस इज एक्सियल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस दिस इज एक्सियल। एक्सियल इक्वेटोरियल पहचानना आ गया। दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे ये नीचे बल्जिंग है और ये बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मींस दिस इज इक्वेटोरियल, ये ऊपर की तरफ बल्किंग है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी इक्वेटोरियल। और ये क्या हो गया, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मींस दिस इज आल्सो इक्वेटोरियल। तो बी स्ट्रक्चर में आपके तीनों इक्वेटोरियल हो गए। यहां पर देखेंगे ये आपको क्लियरली दिख रहा है एक्सियल है, ये डाउनवर्ड बल्जिंग है लेकिन ये बाहर तरफ जा रहा है इक्वेटोरियल, डाउनवर्ड बल्जिंग है बाहर की तरफ जा रहा है इक्वेटोरियल। कोई कंफ्यूजन? आप यहां पर देखें डी में, तो ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल और ये भी इक्वेटोरियल। आप क्या कहना होगा कि सर इक्वेटोरियल पे रहे तो ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो आपने बताया है। मैं बोलूंगा बिल्कुल हां, मैंने तो यही बताया है, इक्वेटोरियल पे स्टीरिक रिपल्शन कम होता है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? लेकिन आपको ध्यान देना है क्या तीनों इक्वेटोरियल पोजिशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो आप देखिए उसके लिए आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। स्ट्रक्चर क्या है? 1 4 भी सिस है, 1 2 भी सिस है। दैट मींस 1 के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, 1 अगर आपने एक्सियल दे रखा है तो 4 को इक्वेटोरियल होना ही पड़ेगा। अगर 4 इक्वेटोरियल नहीं होता है दैट मींस ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो कोई और कंपाउंड है। बात समझेंगे? अगर 1 पे एक्सियल है और 4 पे इक्वेटोरियल नहीं है दैट मींस वो कोई और कंपाउंड है, ये कंपाउंड वो रिप्रेजेंट नहीं करता, क्लियर? तो सबसे पहले चेक करें 1 और 4 के रिस्पेक्ट। एक एक्सियल है तो दूसरे को इक्वेटोरियल होना पड़ेगा, क्या एक इक्वेटोरियल है तो दूसरे को एक्सियल होना पड़ेगा, चेक करें। ए चेक करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 1 2 और 4 पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए, 1 2 और 4 पे जुड़े हुए। तो 1 पे अगर इक्वेटोरियल है तो 4 पे एक्सियल होना चाहिए, है, दैट मींस ये वर्क कर सकता है, करेक्ट?
आपका वन फोर्थ इसका क्या कहना है, एक एक्सियल पे है तो दूसरा इक्वेटोरियल पे होना चाहिए, वो आपको मिल रहा है, राइट। दूसरे स्ट्रक्चर में आएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे वन ये हो गया, फोर ये हो गया, वन पे भी इक्वेटोरियल, फोर पे भी इक्वेटोरियल, जबकि वन पे इक्वेटोरियल तो फोर पे एक्सियल होना चाहिए था, दैट मीन्स ये कोई और कंपाउंड, इस स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ये नहीं है, क्लियर है ये बात, दैट मीन्स ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर पे आए, इसमें चेक करें, ये वन कार्बन, ये टू कार्बन, ये थ्री कार्बन, वन पे एक्सियल, फोर पे इक्वेटोरियल, बिल्कुल पॉसिबल है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है, कौन आंसर है कौन नहीं है ये बाद में बात करेंगे, ये भी हो सकता है। डी पे आएंगे तो डी पे भी देखेंगे, वन पे भी इक्वेटोरियल है और फोर पे भी इक्वेटोरियल है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता है, ये भी कोई और कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता तो वन पे अगर एक्सियल है तो फोर पे इक्वेटोरियल होना चाहिए था, वहां पर तो उल्टा आ रहा है, कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स आपके पॉसिबल आंसर्स जो हो सकते हैं वो या तो ए होगा या तो सी होगा, क्लियर है ये चीज। अब दूसरी चीज चेक करते हैं, वन और टू, वन और टू पे भी सेम कंडीशन है, वन और टू अगर सिस होता है इस स्ट्रक्चर में तो एक को एक्सियल पे जाना पड़ेगा, दूसरे को इक्वेटोरियल पे जाना पड़ेगा, वो भी चेक कर लेते हैं, इक्वेटोरियल टू पे एक्सियल, दैट मीन्स सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पर देखें वन पे एक्सियल तो टू पे इक्वेटोरियल सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ए में भी और सी में भी, क्लियर है यहां तक। अब दोनों कंडीशन मेरे सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर का ये दोनों कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है, इस स्ट्रक्चर का ये दोनों कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है, ये दोनों कॉन्फॉर्मर ही पॉसिबल है। अब आपको बताना है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो उसके लिए ध्यान से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, जब आपने चेक कर लिया है कि वैलिड है या नहीं कॉन्फॉर्मर, तो उसके बाद देखेंगे क्या देख रहे हैं, दो एक्सियल बॉन्ड है और वन इक्वेटोरियल है, यहां पे दो इक्वेटोरियल है और एक एक्सियल है, और आपको पता है इक्वेटोरियल में स्टीरिक रिपल्शन कम होता है, तो जितना ज्यादा ग्रुप इक्वेटोरियल पे जुड़ा रहेगा उतना स्टीरिक रिपल्शन कम होगा, कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके दो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, दो ग्रुप इक्वेटोरियल पे जुड़ा हुआ है, वैन डर वाल स्ट्रेन कम हो गया, इसका ज्यादा स्टेबल है, कोई कंफ्यूजन? ये था आपका क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं, तो ये ट्रिक कैसे यूज करना है ये चीज भी आपको बता दी मैंने, करेक्ट। आपको बस यही चीज याद रखना है, 1-4 अगर सिस रहे तो एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, 1-2 अगर सिस रहे एक्सियल इक्वेटोरियल होगा, इसके अलावा एक केस बचता है 1-3 सिस, करेक्ट। 1-3 सिस में क्या हो जाएगा, दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल, अगर दोनों इक्वेटोरियल डाल रहे हैं आप तो उसमें वैंडरवॉल स्ट्रेन कम होगा, ज्यादा स्टेबल हो सकता है, क्लियर। और ट्रांस में क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जैसे 1-4 ट्रांस रहता तो दोनों एक्सियल या दोनों इक्वेटोरियल दे देते, क्लियर है। किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से ट्रिक काम कर रहा है, कोई कंफ्यूजन है इस चीज में, तो फटाक से नोट करें, कुछ क्वेश्चन और आपको देते हैं जो कि आप घर पर ट्राई करेंगे, क्लियर। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आपको ट्राई करना है, ये टेलीग्राम ऐप पे आप मेरे को आंसर और सॉल्यूशन भेज सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या गलत है, क्या सही है मोस्टली। खैर ये काफी आसान क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है, इसमें बस पता करना है कि 2-मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा है, कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है 2-मिथाइल पेंटेन का, पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल है इस बारे में, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे द लोएस्ट एनर्जी कॉन्फॉर्मर ऑफ दिस स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है, बेसिकली इथाइल साइक्लोहेक्स, राइट, इसका सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर पूछ रखा है, स्टेबल का मतलब लोएस्ट एनर्जी का,
चार ऑप्शन दे रखा है, तो आपको सारे स्ट्रेंस वगैरह कंसिडर करने हैं और उसके बाद आपको आंसर करना है, क्लियर? तो ये नोट करेंगे फटाफट, और आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहे हैं, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो बच्चों आपके सामने हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आपको बताना है कि इसका, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का सबसे स्टेबल आइसोमर कौन सा है। इसमें कॉन्फर्मेशन आइसोमरिज्म की बात नहीं हो रही है, आपको बस बताना है कि सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे पहली बात जो आपको चेक करना है, चेयर फॉर्म तो सारे हैं, उसके अलावा आपको जो चेक करना होता है वैन डर वाल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होंगी, उसके बाद चेक करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं, ये एक इक्विलिब्रियम रिलेशन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जिसमें ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम है। अब आपको पता है ज्यादा एग्जिस्ट कौन करता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके हिसाब से आप रफ एस्टिमेट बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने रखने जा रहे हैं, पहले ये नोट करेंगे।